ya. जैसे कि तुसी देख ही रहे हो कि कितना पानी पहाड़ों के ज़्यादा बरसात होण करके साडे इलाके विच पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। कई पिंड ने जिहड़े वो पानी के चपेट में आ गए ने। लोग मजबूर होकर अपने घरां दी छतां दे विच बैठे ने और सानू फोन आए ने कि साडे लंगर पानी वास्ते इंतजाम करो। इस टाइम मैं खानवाले पिंड दे खड़े हाँ, आप जी तुसी इत्थे अचानक ही मिल गए हो, तुहाड़ा धन्नवाद। सो मैं इतने पिंड वाले नाल गल की, वो कहन लगे अभी तो कोठियां से बैठे हाँ, लंगर के भी कोई कैवें असं लंगर लैन आईए। असी लंगर कपाल मोचन गुरद्वारा साहब तो असी तैयार कराया, लेकिन समस्या है कि इन्ना पानी है, 10-10 फुट पिंड की गली दे विच पानी है, पर लंगर लैके किवें जाइए, बहुत साडे लई समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन असी शाम तक वेट करते हैं, पानी घट होए तो असी जिहड़ा लंगर है, जिहड़े भी इन्ने पिंड ने इधर जिहड़े पानी दे विच आए ने, तो उन्हां वास्ते लंगर की असी तैयारी की है, असी लंगर उन्हां कोल पहुंचावांगे। पूरी रात पहाड़ों में बरसात हो रही है और यहाँ प्रशासन हर साल पलटी बनाता है और वो हर साल टूट जाती है, जिससे गांवों को बहुत ज़्यादा नुकसान, फसल का नुकसान, पानी आप देख लो, ये सड़क भी टूट गई है, यहाँ से आगे से भी रोड टूट गया बिलासपुर वाला। इसमें तो तकरीबन 6-7 गांव हैं, इसमें खानपुड़ अड़ौली हो गया, खनवाड़ा हो गया, चंदपुर हो गया और त्यानो हो गया, सलेमपुर हो गया, ये सारे इसकी पानी की चपेट में, इनमें पूरी फसल बर्बाद हो गई है और कई गाँव में तो खाने के लिए खाना भी नहीं है इस टाइम।